मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है। आपको सिंगल वायर के लिए जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हो उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे पहले वाले वायर के लिए देखो, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को ऊपर कर लो, इधर फिंगर्स इनवर्ड जाएंगे, इधर आउटवर्ड आएंगे। तो पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, देखो ये पहले वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड होगा, ऐसे इसका ड्रॉ कर दो। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। लेकिन बीच में देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अच्छा, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये बीच में ड्रॉ नहीं करनी है। देखो मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहाँ से इसको आगे कनेक्ट कर दिया दूसरे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि बीच में दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इसका आउटवर्ड होगा इधर, तो दोनों आपस में कैंसिल, तो बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा।